लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के शिशु रोग विशेषज्ञों ने सीजर कंगारू ऑपरेशन कर एक नवजात को नया जीवन दिया है। इस तरह का ऑपरेशन दुर्ग जिले में पहली बार किया गया है। ऑपरेशन के बाद नवजात और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के शिशु रोग विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञों ने एनेस्थेटिक डॉक्टर शीतल यादव के सहयोग से कंगारू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सीजर के बाद नवजात को माँ द्वारा स्तनपान भी कराया गया। कंगारू ऑपरेशन दुर्ग जिले में पहली बार किया गया है। आमतौर पर इस ऑपरेशन के लिए गर्भवती महिला को चुनिंदा बड़े अस्पतालों में ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जन्म के तत्काल बाद स्तनपान कराए जाने से नवजात की इम्यूनिटी पावर, हाइट, वेट आगे की जिंदगी के लिए सामान्य बना रहता है। इससे आगे चलकर बच्चों के डायबिटिक शुगर होने का अंदेशा लगभग खत्म हो जाता है। नवजात की मां का पहला बच्चा सीजर से पैदा हुआ था। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान भी सीजर किया गया। सीजर के तत्काल बाद बच्चे को स्तनपान कराया गया, जो बड़े अस्पतालों द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन इस कार्य को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के डॉक्टरों की टीम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति देवांगन और एनेस्थेटिक डॉक्टर श्वेता यादव द्वारा पूरा कर दिखाया। सीजर के बाद अब माँ और नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कंगारू ऑपरेशन लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में पहली बार किया गया है, जो आमतौर पर बड़े अस्पतालों में ही किया जाता है। इसकी जानकारी डॉक्टर सोनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति देवांगन और एनेस्थेटिक डॉक्टर शीतल यादव ने दी। मैं डॉक्टर शीतल यादव, एनेस्थेटिस्ट। मैं कुम्हारी जिला स्वास्थ्य केंद्र की एनेस्थेटिस्ट हूँ। मेरे द्वारा बहुत सारे दुर्ग जिले के स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल मेरे द्वारा जहाँ पे सीजर कराया जाता है। आज लाल बहादुर शास्त्री में एक सीजर से फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ और पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में कंगारू केयर जिसे कहा जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत मतलब लोग यूज टू हैं या उसको करते हैं, यहाँ पे जिला सुपेला अस्पताल में पहली बार ये हुआ है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे जैसे डॉक्टर श्रुति ने बताया कि कोलोस्ट्रम देने से इमिजिएटली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ बच्चों को होता है वो उनकी मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इमिजिएटली, उससे भी हम उससे बच्चे को केयर कर बचा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। और हम और भी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे हम लोग निवेदन करते हैं कि इसको जितना हो सके उतना अपनाया जाए और इसको निरंतर कंटिन्यू किया जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रुति देवानंद हूँ, इधर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सुपेला सिविल हॉस्पिटल में। अभी आज एक इस बच्चे की माँ जो थी, वो पहले उसका ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ था तो, और नीचे जगह भी कम था तो इसलिए हम फिर से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा और 2.56 किलो का फीमेल बेबी पैदा हुई है। इस बार हम बच्चे को तुरंत, जैसे बच्चा निकला डिलीवर करके, तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग पर लगाए हैं। कांगरू मदर के बोलते हैं इसको। इससे बच्चे को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे तुरंत कोलोस्ट्रम देने से उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, मदर का बॉन्डिंग बढ़ जाती है और बेबी को हम हाइपोग्लाइसीमिया से बचा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये हम पहली बार आज शुरू किया है, इसको और भी हर जगह शुरू करना एक्चुअली फ़ायदे होता है, बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल है, तो ये रिकमेंड करते हैं। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट सुपेला अस्पताल सिविल अस्पताल सुपेला से हूँ, डॉक्टर एम आर सोनी। हमने आज पोस्ट सीजर बच्चों को सीजर के बाद स्तनपान तुरंत कराए हैं। तुरंत स्तनपान कराने से बच्चों को बहुत सारे ऐसी तकलीफें दूर हो जाती है। जो माँ का शुरू का जो दूध रहता है, जिसे प्रीलेटियल मिल्क बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो अमृत के समान होता है, जो बच्चे को आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत सुरक्षित रहता है, बहुत सारे बीमारी से बचाता है, बहुत सारे जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना, हाइट वेट उसको बराबर मेंटेन होता है। एडोलेसेंट बड़े होने पे जो डायबिटीज और शुगर होने का डर रहता है, बीपी होने का डर रहता है, उसको कम करता है। बच्चे को एक्चुअली क्या रहता है कि पहले का बच्चा सीजर से पैदा हुआ था तो दूसरे बच्चे को भी सीजर से पैदा करते हैं, तो उसको सीजर से पैदा करके
तुरंत सीजर के बाद स्तनपान कराया गया है, जो ये नेशनल लेवल पे सब बेस्ट हॉस्पिटल में कराया जाता है, जो हमने आज सुपेला अस्पताल में शुरू किए हैं। ये हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, हमारे CMO डॉक्टर JP मिश्रा के मार्गदर्शन में सुपेला अस्पताल में फर्स्ट टाइम शुरू किया गया है। अब इसके बाद हम रेगुलर इसको शुरू रखेंगे, शुरू करेंगे और हमेशा चालू रहेगा। इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें मैं डॉक्टर MR सोनी पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर मैडम शीतल एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर श्रुति, और हमारे जितने स्टाफ हैं विदिशा सिस्टर और जो OT स्टाफ के सहयोग से सब किया गया है, और ये कंटिन्यूस निरंतर हम आगे भी करते रहेंगे, जो हमारे इस रीजन के लिए जो बड़ा अस्पताल के रूप में ये फेमस हो रहा है सिविल अस्पताल सुपेला, जो बहुत बड़ा एरिया को ड्रेन करता है, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा भी रहेगा, और जो भी माताएं आती है उसको सबको इस चीज़ के बारे में हम अवगत कराएंगे, जानकारी भी देंगे। गौरतलब है कि एनेस्थेटिक डॉक्टर शीतल यादव द्वारा दुर्ग जिले के अनेक स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में सीजर करवाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इस तरह का पहला मामला देखने को मिला है, जिसके लिए डॉक्टरों की पूरी टीम बधाई की पात्र है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।